दीपावली के पंच दिवसीय त्यौहार पर पुलिस की सतर्कता को सराहनीय कार्य बताते हुए एसपी ग्रामीण आदित्य कुमार शुक्ला ने संपूर्ण नगर वासियों को दी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं तथा रोशनी के इस पावन पर्व को बहुत ही शांति पॉल्यूशन रहित तथा अपराध रहित मनाने की बात भी कही। सर, ब्रज में लगने वाले इस पांच दिवसीय दीपोत्सव में आपके पुलिस विभाग की विशेष सराहनीय योगदान रहा है। इसके साथ ही ब्रजवासियों के लिए और बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए इस दीपोत्सव पर क्या संदेश देना चाहिए? ये जनपद मथुरा में थाना गोवर्धन के अंतर्गत गोवर्धन परिक्रमा मार्ग पर और जो हमारा बाहरी क्षेत्र है, इसके अलावा जो बाईपास है, यहाँ पर पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया है। यहाँ पर सीओज स्तर के भी अधिकारी लगे हैं और एसओज स्तर के भी अधिकारी लगाए गए हैं, तो सभी अपनी ड्यूटियाँ अच्छे ढंग से कर रहे हैं। और यहाँ पर जो श्रद्धालु आए हैं, हमारा उद्देश्य ये है कि हम इनको अधिक से अधिक दर्शन कराएं और इनकी हर सुविधा का ध्यान रखा जा रहा है। माननीय NGT के आदेशों के परिपालन में भी हम लोग पूर्ण सतर्कता बरत रहे हैं कि कहीं उसका भी उल्लंघन ना होने पाए। बाकी हम अपने सभी श्रद्धालुओं का, यहाँ के नागरिकों का अभिनंदन करता हूँ कि बड़े ही अच्छे ढंग से आज दीपोत्सव कार्यक्रम मनाया जा रहा है और दीपावली का पर्व हम लोग यहाँ बैठकर मना रहे हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप मीडिया के भी हम आभारी हैं कि आप लोगों ने बड़ी मेहनत करके जगह जगह कवर किया है और हमारे जो तीर्थयात्री हैं उनकी सुविधा का भी ध्यान रखा है, उनसे भी बातें की हैं, जैसा कि मैं देख रहा था अभी मीडिया। इस प्रकार आप सभी भी बधाई के पात्र हैं, साथ ही जनता और यहाँ के जो भी हमारी व्यवस्था में लगे पुलिसकर्मी हैं, इनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद सर, मीडिया की तरफ से भी आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।